हे गाइस, दिस इज रोनक और आज हम बात करने वाले हैं मेरे एक नए ट्राइपॉड के बारे में जो कि है डिजिटेक की तरफ से DTR 550 LW। तो ये हमने खरीदा है amazon.in से। तो आज मैं आपको उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, क्या है उसकी प्राइस, वो सारी कुछ डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है ट्राइपॉड विथ डायकास्टेड मैग्नीशियम बॉडी, उसी के साथ साइड में आपको फीचर्स मिल जाते हैं जहाँ पे है टू वे हेड विथ एडजस्टेबल पैन, उसके साथ यहाँ पे स्टेडी रबराइज लेग दिए हुए, कन्वीनियंट एक्सेसरी हुक दिया हुआ है, उसके साथ बबल हेड दिया हुआ है, उसके साथ आपको मल्टीपर्पस हेड विथ क्विक रिलीज दिया हुआ है और मल्टीपर्पस हेड फॉर डीवी कैमरास के लिए आपको दिया हुआ है। उसके साथ अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम लोड आपको मिलता है 5 kg तक, उसके साथ यहाँ पे आपको मैक्सिमम हाइट मिलती है 5.57 feet तक की, उसके बाद फोल्डेड साइज है यहाँ पे आपको 2.01 feet की, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम ट्यूब डायमीटर मिलता है 26.5 mm का और जो मिनिमम ट्यूब डायमीटर है वो है 20 mm का। 1.2 kg का ये ट्राइपॉड है और 3 सेक्शन यहाँ पे आपको हाइट के लिए मिल जाते हैं। चलिए इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का ट्राइपॉड है। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो यहाँ पे ऊपर से हमने इसको ओपन कर लिया, अब हम निकालते हैं हमारा ट्राइपॉड। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ ये ट्राइपॉड आपको मिलता है, उसी के साथ यहाँ पे आपको एक ट्राइपॉड के लिए कैरी बैग मिलता है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि अगर ट्रैवल वगैरह कर रहे हो तो आप इस कैरी बैग को लेके अपने ट्राइपॉड को कहीं पे भी लेके जा सकते हो। तो ये आप देख सकते हो कि स्ट्रैप के साथ आपको ये कैरी बैग मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके साथ यहाँ पे आपको जिप मिलती है इसको निकालने के लिए बाहर, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको जिप मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाफ जिप आपको मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इस बैग की मुझे लगी। तो चलिए निकालते हैं हमारे ट्राइपॉड को और देखते हैं कि किस तरीके का ये ट्राइपॉड आपको मिलता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको ये ट्राइपॉड मिल जाता है। तो इसको भी हम निकालते हैं बाहर और देखते हैं कि किस तरीके का है डीजी का DTR 550 ट्राइपॉड। तो ये कुछ इस तरीके का आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हैंडल आपको एक दिया हुआ है पकड़ने के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी मुझे इसकी एक फीचर लगा। उसके साथ यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मैग्नीशियम बॉडी दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो डिजिटेक DTR 550 LW लिखा हुआ है। तो इसमें आपको रबराइज मिल जाता है नीचे की ओर ताकि आपका वो ट्राइपॉड हिले नहीं और ग्रिप काफ़ी अच्छी बनी रहे। बिल्ड क्वालिटी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया इस प्राइस रेंज में। उसके बाद यहाँ पे हेड आप देख सकते हो कि किस तरीके की बिल्ड क्वालिटी है। तो अब हम बात करते हैं उसके मूवमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको एक बबल हेड यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको पैन और टिल्ट के लिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे मिल जाती है। तो आप इस तरीके से उसको एक साइड पे फिट कर सकते हो, उसके साथ एक और आपको मिलता है जहाँ पे आप उसको उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फिट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। उसके बाद अगर हम बात करें उसके हेड की, तो यहाँ पे आपको एक क्लिप से वो अटैच है, तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ। तो इसको हम निकालते हैं बाहर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप अपना DSLR या फिर आपका मोबाइल का जो माउंट होता है वो आपको यहाँ पे लगाना है और आप ये यूज कर पाओगे। अगर हम और एक मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप इसको फ्लिप करके इसको वर्टिकली भी शूट कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। तो आप कुछ इस तरीके के यहाँ पे स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छा मूवमेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि एक और नॉब की, तो ये जो नॉब है इसको आप अगर लूज़ करोगे और इस तरीके से आप इसको घुमाओगे तो आप देख सकते हो कि उसकी जो हाइट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसकी किस तरीके की हाइट आपको यहाँ पर मिलती है। तो चलिए मैं आपको हाइट पूरी एक्सटेंड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉर्मल हाइट पे कुछ इस तरीके का है, तो करीबन 2.01 फीट आपको इसकी नॉर्मल हाइट मिल जाती है। तो चलिए इसके लेग जो आपको मिलते हैं उसको हम एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि उसकी मैक्सिमम हाइट आपको कितनी मिलती है। तो यहाँ पे फटाफट आप इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दो, तो यहाँ पे जो क्लिप दिए हुए हैं एक्सटेंड करने के लिए वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिलते हैं, तो ये बिल्ड क्वालिटी उसकी भी मुझे काफ़ी पसंद आई। तो कुछ इस तरीके की आपको हाइट मिलती है। अब यहाँ से आपको एक और जो बीच वाला पोर्शन है वो भी आपको हाइट बढ़ानी है, तो आप उसका जो नॉब है वो लूज़ करके जो आपको घुमाने के लिए मिलता है उसको आप जैसे ही
घुमाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बाहर आ जाएगा बीच वाला पोर्शन, और उसकी मैक्सिमम हाइट आपको मिलती है 5.57 फीट, तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलती है। हैंडल जो दिया हुआ है पकड़ने के लिए, उससे आप उसको मूवमेंट करवा सकते हो, तो ये काफ़ी पसंद आया मुझे। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी हल्का है, 1.2 केजी के अराउंड है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर और आपको हाइट बढ़ानी है तो आपको जो बीच वाला पोर्शन है नीचे की ओर, वहाँ पे आपको एक नॉब मिलता है, तो आप उसको टाइट करके और इस तरीके से उसकी हाइट एक्सटेंड कर सकते हो, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। नीचे की ओर आपको हुक मिलता है, तो वहाँ पे आप वेट वगैरह लगा सकते हो। उसके बाद अगर हम उसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस amazon.in पे करीबन 1530 रुपीज़ आपको मिल जाती है, तो आप amazon.in से ख़रीद सकते हो। तो कुछ इस तरीके का ट्राईपॉड हमने ख़रीदा है हमारी चैनल के लिए, तो ये मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आप नीचे जाके हमारे लिंक पे क्लिक करके ख़रीद सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं हम कुछ ऐसे एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।